प्रिया चक्रवर्ती ने कई इंटरव्यू लगातार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर दिए। हाल ही में एक्टर की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया के इंटरव्यू के दौरान एक वीडियो में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में रिया चक्रवर्ती कह रही है कि खार में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने सुशांत के मिलने से पहले खरीदने की कोशिश में लगी थी। उसकी कीमत जो मैंने दी है वो 74 लाख है। उसमें से 50 लाख रुपए का HDFC बैंक से मैंने लोन लिया था। रिया चक्रवर्ती ने आगे कहा कि इससे रिलेटेड सारे कागजात मैंने ईडी को दिखा चुकी हूँ। इसके सारे कागज मेरे पास हैं। इसका बैंक लोन अभी भी जारी है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 रुपए मेरा EMI है जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। रिया के स्टेटमेंट पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा कि आपको इस बात की चिंता है कि आप EMI के 17,000 रुपए कैसे भरेंगी। श्वेता सिंह कीर्ति ने आगे लिखा, कृपया मुझे ये बताइए कि आपने देश के सबसे महंगे वकील को कैसे पैसे दिए जिसे आपने केस के लिए रखा है। श्वेता सिंह कीर्ति के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपने रिएक्शन दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया के झूठ बोलने पर आरोप लगा चुकी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत का मामला CBI अब जांच रही है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।